एक तरफ सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार लॉकडाउन का समय बढ़ाते जा रही है, वहीं दूसरी ओर रोहतास जिला के दावत थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में मंगलवार एक शादी समारोह में रात भर बार बालाओं का डांस हुआ। नर्तकियां ठुमके लगाए तथा डीजे की धुन पर रात भर ग्रामीण नाच गान का लुत्फ उठाते रहे। बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के पीरियड को 1 जून तक फिर से बढ़ा दी है तथा सभी तरह के डीजे एवं ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आदि पर रोक लगा दिया है। लेकिन अब देखिए किस प्रकार भारी भीड़ के साथ पूरी रात नर्तकियों का नाच चल रहा है। भोजपुरी के अश्लील और भद्दी गानों पर नंग धड़ंग नर्तकियां ठुमके लगा रही हैं। न किसी के चेहरे पर मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी की तैसी कर दी गई है। अब अगर ऐसे में कोरोना का विस्फोट होता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। सरकार ने विवाह समारोह को मात्र 20 लोगों की मौजूदगी में संपन्न करने की हिदायत दी है, लेकिन दावत थाना की पुलिस के नाक के नीचे जनकपुर गांव में रात भर धूम धड़ाका होता रहा। लोग मन मौजी करते रहे लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। तमाम तरह की गाइडलाइन और एहतियात बरतने के निर्देश के बावजूद आखिर लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है। क्या मीडिया में दिखाए जाने के बाद ही प्रशासन की तंद्रा टूटेगी। रोहतास के करगहर में भी 2 दिन पूर्व एक श्राद्ध कार्यक्रम में भी जमकर बार बालाओं का डांस हुआ था और मंचलों द्वारा लाखों रुपए नर्तकियों के ऊपर उड़ा दिए गए थे। इस मामले में खबर चलाई जाने के बाद पुलिस को थाने में प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी थी। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। रिपोर्ट राहुल मिश्रा, रोहतास।